दतिया पुलिस ने बड़ौनी के ग्राम छता में 6 घरों में की गई चोरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया एवं 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर माल भी बरामद किया है तथा 2 फरार हैं। वहीं बता दें कि बीती 19 मई को ग्राम छता के करीब 6 घरों से सिलसिलेवार चोरी की गई थी। चोर इस वारदात में करीब सोने चांदी के जेवर समेत 1 लाख से अधिक की नकदी चोरी कर ले गए थे। चोरी के मामले में जांच के पश्चात 2 आरोपी कांसीराम बंशकार एवं श्याम सुंदर यादव की गिरफ्तारी की गई तो ग्राम छता में चोरी करना स्वीकार किया एवं 2 अन्य व्यक्तियों की शामिल होने की भी जानकारी दी जो माल के साथ फरार हैं। पुलिस जल्द ही फरार आरोपी मोनू परिहार एवं साथी की गिरफ्तारी करने के लिए टीम रवाना की गई है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से 33,000 का माल भी बरामद किया है। बताना चाहता हूं कि दिनांक 18-19 की दरमियानी रात में ग्राम छता थाना बड़ौनी में एक नकबजनी की घटना हुई थी जिसमें से तकरीबन 5 घरों में ताले तोड़ करके चोरी की घटना हुई थी। इस घटना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुए मुझे SDP बड़ौनी को थाना प्रभारी को इस संबंध में तत्काल पतारसी करने संबंधी निर्देशित किया गया। अनुभाग स्तर पर इस संबंध में टीम का गठन भी किया गया जिस पर से कि ग्राम छता में ही थाना प्रभारी के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा लगातार सुबह से लेकर शाम तक कैंपिंग करी गई और बारी बारी सभी से पूछताछ करी गई। जो सुराग मिले उस आधार पर ग्राम छता के ही 2 व्यक्ति काशीराम वंशकार और श्याम यादव को राउंडअप किया गया। इनसे प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया परंतु जब आइडेंटिफिकेशन नीरन चौहान की उनके घर वालों के द्वारा कराया गया तो इन्होंने इस घटना को करना स्वीकार किया और अपने साथ में एक मोनू परिहार जो कि थाना बड़ौनी का ही स्थायी वारंटी है उसके द्वारा अपने एक अन्य साथी, तो इस तरीके से घटना में कुल 4 लोग होते हैं, काशीराम वंशकार, दूसरा श्याम यादव ग्राम छता की, मोनू परिहार जो कि स्थायी वारंटी है थाना बड़ौनी का, और उसके साथ एक अन्य साथी जिसको कि ये 2 नहीं पहचानते हैं जो कि गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से इसमें से काशीराम वंशकार से 16,000 रुपये नगद और जो इनका हिस्सा 4 घरों में 5 घरों में जो ताले तोड़े गए और उससे जो सामान मिला इनके द्वारा जो हिस्सा बांट में जो राशि इनके हिस्से में आई काशीराम वंशकार से 16,000 रुपये नगद, 4 जोड़ी पायल, 5 जोड़ी बिछिया बरामद किए गए हैं और श्याम यादव से 17,000 रुपये नगद, 1 करधौनी चांदी की जब्त की गई है और शेष इनके द्वारा ये बताया गया कि मोनू परिहार शेष सामान को अपने साथ लेके गया है जिसकी अभी तलाश की जा रही है। जी ये कुछ तकनीकी सहायता इस तरीके से मदद मिल जाती है। आज की डेट में आप ग्राम स्तर पर भी जाएंगे, छोटे जगह में भी जाएंगे तो कुछ कैमरों का सहयोग भी हमें मिल ही जाता है अक्सर आमतौर पर। दूसरा हमारा जो साइबर सेल है उससे भी हमें इस संबंध में काफ़ी सहयोग मिल जाता है जिससे कि घटना खुलासा करने में थोड़ा सा जल्दी सफलता मिल जाती है। दतिया से ईडी न्यूज़ के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।